हेलो फ्रेंड्स, हमारे इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज ये जानेंगे कि यदि अपने को डबल बेड हुआ अथवा सोफा हुआ तो उसमें ट्रॉली को किस प्रकार से चलाया जाता है। तो आप वीडियो के साथ बने रहिए, चलिए शुरू करते हैं। यदि चैनल पे नहीं हो तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। जैसा कि यहाँ पे अपनी जो दराज था, यहाँ पे ड्रॉर था, उसको प्रॉपर तैयार कर दिया गया। अपना कैस्टर जितना कम था तो अपने कैस्टर जो साइड में आ रहा है, एक एक इंची अपने कम किया ड्रॉर को, यानी टोटली जो माप है अपना गाले से वो 2 इंची कम कर दिया गया है। जैसे अपने को यहाँ पे कैस्टर लगाना रहता है साइड में, तो आगे चल के मालूम चल रहा है कि यह कैस्टर लगाने का क्या रीज़न रहता है और किस प्रकार से यदि मैनेज किया जाता है। जैसे यहाँ पे अपने ऊपर की साइड से उसको 2 इंची छोड़ के लगा देंगे, यानी सेंटर में यूज नहीं करेंगे। सेंटर में यूज करने का कारण ये रहता है कि अपने को ये खोलने में तकलीफ पड़ती है। जैसे अपनी यहाँ पे जो अपना हाइट में जो ड्रॉर बना है 6 या 7 इंच का, तो अपना जो यदि गाला 8 इंच का हुआ तो अपने उसके हिसाब से अपने 6 इंच का बना देंगे, ताकि जो ड्रॉर निकालने में काफ़ी इजी हो जाएगा। यदि अपने फिक्सू फिक्स बना देंगे उसको, तो ये ऊपर की साइड में टच होना चालू हो जाएगा और खुलने में काफ़ी परेशानी आएगी। और इस प्रकार से अपना जैसे कैस्टर था, इस प्रकार से अपने कैस्टर पीछे की साइड में लगा देंगे। यदि अपने को बड़ी दराज में यदि चैनल वगैरह लगाना है तो चैनल वगैरह भी मिल जाती है, उसमें कोई इशू नहीं रहता। अपने 4 फुट की टेलीस्कोप चैनल मिल जाती है हेवी, और 5 फीट की भी मिल जाती है, या नहीं मिलती है तो अपने को ऑर्डर से तैयार करवाना रहता है। अमुक 4 फुट की आराम से मिल जाती है। जैसा कि यहाँ पे हमने साइड में जो कैस्टर थे वो लग के रेडी हो गए, और जस्ट यहाँ पे जो अंदर की साइड में है वो अंदर की साइड में भी इसी प्रकार से अपना जितना मेजरमेंट उसमें छोड़ा था उसी प्रकार के ऊपर की साइड में अपने मार्किंग कर लेंगे। जैसे अपने ने यहाँ पे जो ड्रॉर में था ऊपर की साइड से अपने 2 इंची छोड़ के लगाए थे, और इसी प्रकार से अपने यहाँ पे भी अपने 2 इंची छोड़ के उसको मार्किंग करके यहाँ पे प्रॉपर से लगा देंगे। यानी जो इसमें जो कैस्टर लग रहा है साइड वाले, वो पीछे की साइड में 2 ट्रॉली में, और जो अपना डबल बेड आ रहा है यहाँ पे 2 कैस्टर यहाँ पे लग जाएंगे, और जो अपना नीचे के साइड में जो कैस्टर आ रहे थे वो अलग से 4 लगाने रहते हैं। जैसे अपने को जो टोटल जो कैस्टर चाहिए रहते हैं वो अपने को 4 ट्रॉली के और 4 जो साइड वाले जो 1-1 इंच के छोटे वाले, ये कैस्टर लगाने रहते हैं इस प्रकार से। दोस्तों, यदि अपने को इस प्रकार से यदि मोटी हेवी ट्रॉली चलाना रहता है तो आप इस प्रकार से आराम से चला सकते हो, तो काफ़ी आसानी से चल जाता है, फ्लोर के ऊपर रहता है। और जो टेलीस्कोप चैनल लगाने जाते हैं तो ये अपने को वो भी लग जाती है, और उसके लिए अपने को आगे की साइड में फिर से वापस टायर देना रहता है, ताकि आगे की साइड में झुके नहीं, और इसमें अपने को 4 टायर देना रहता है। जैसा यहाँ पे अपना जो लेफ़्ट का था वो लग के रेडी हो गया, और जो राइट का था वो अपने यहाँ पर मार्किंग कर देंगे उसी प्रकार से। जो हमने यहाँ पे कैस्टर वह पूरे 1-1 इंची वाले कैस्टर हैं, जैसा कि आप सामने देख रहे हैं, यहाँ पे नीचे भी रखा हुआ है, ये पूरे 1-1 इंच वाले कैस्टर हैं। दोस्तों, यदि आपने टेलीस्कोप चैनल फिटिंग का वीडियो नहीं देखा था, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या चैनल पर मिल जाएगा, तो वहाँ जाके आप देख सकते हो। जैसा अपना यहाँ पे इस तरीके से फिटिंग था ऊपर की साइड में से जितना ट्रॉली में छोटा था, और इसी प्रकार से अपने यहाँ पे भी फिटिंग कर देंगे, जो सेम टू सेम रहता है इसी प्रकार से। और जो अभी मालूम चल जाएगा आगे ये ऊपर की साइड में फ़िट करने का क्या रीज़न रहता है, यदि अपने चाहे तो यहाँ पे सेंटर में भी कर सकते थे। सेंटर में यदि करने जाते हैं तो ये खोलने में काफ़ी परेशानी रहती है। और इस प्रकार से जो अपने कैस्टर थे लेफ़्ट और राइट के, दोनों यहाँ पर लग के बिल्कुल रेडी हो गए हैं, और जो अपना ट्रॉली में जो कैस्टर लगाए थे वो भी रेडी हो गए। ये नीचे की ये साइड का हो गया, और ये जो ब्लैक वाला है ये नीचे की साइड में हो गया। अपने इस प्रकार से यदि देखने जाएंगे तो यहाँ पे ऐसे डायरेक्टली ये नहीं जा रहा है, क्योंकि यहाँ लेवल टू लेवल टकरा गया है इस प्रकार से। और जैसे अपने को यहाँ पर फिर डालने के लिए अपने को आगे की साइड में से ऊँचा करके, और फिर ये जो टायर जो लगे रहते हैं लेफ़्ट और राइट वाले, वो इस प्रकार से यहाँ से जैसा सामने देख रहे हैं यहाँ से नीचे से निकल जाएंगे इस प्रकार से। और अभी जैसे अपने यहाँ पे डायरेक्टली खींचेंगे तो ये ड्रॉर को बाहर नहीं आने देगा, जैसा कि आप सामने देख रहे हो। सो थैंक यू। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करें। थैंक यू।